तो दोस्तों आज दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर से। जी हाँ, हम सभी को पता है अभी कुछ ही दिन पहले खबर निकल कर आई थी आर्मेनिया से, और ये खबर भारत को विचलित कर देने वाली थी। बताया जा रहा था कि आर्मेनिया की सेना का ही एक बड़ा ऑफिसर जो कि कैप्टन रैंक का था, वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया, और ये जासूसी उसने पिछले साल से शुरू की थी दुश्मन देशों के लिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर सामने आ रही थी वो ये थी कि इस कैप्टन द्वारा जितनी भी जासूसी की गई थी अभी तक, उसका संपूर्ण डेटा इसने दुश्मन देशों तक प्रोवाइड करवा दिया था। अभी यहाँ पर समस्या वाली बात यह है कि आर्मेनिया के दुश्मन और भारत के दुश्मन ऑलमोस्ट एक ही है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के हथियारों को भी यहाँ पर मेंशन करते हुए कहा गया था कि इस जासूस ने जो जासूसी करते हुए हथियारों की जानकारी दुश्मन देशों तक प्रोवाइड करवाई है, उसमें भारत के हथियार भी हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक मच गया था। तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था कि ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से अभी जितने भी हथियार डिलीवर्ड किए गए हैं उसमें केवल एक ही हथियार का नाम हम लोग गिना सकते हैं, और वो है स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम, जो कि हथियारों की जानकारी और उनकी लोकेशन हमें बताता है। ये आर्मेनिया ने 4 की संख्या में भारत से खरीदे हैं और इन्हें डिलीवर्ड कर दिया गया है। तो संभवतः अगर भारत की टेक्नोलॉजी भी चोरी हुई होगी या फिर उसके कुछ सीक्रेट्स लीक हुए होंगे तो वो केवल स्वाति रडार सिस्टम ही होगा। बाकी के हथियारों की तो बस डील अभी हुई है, और आने वाले कुछ और समय को हम लोग लेंगे तब जाकर उन्हें डिलीवर्ड किए जाएंगे। और यहाँ पर एक अच्छी चीज इवन ये हो गई कि इस तरह की चीजों के बारे में पता हो गया, अब आर्मेनिया पहले की तुलना में कई ज्यादा अलर्ट हो गया। तो आर्मेनिया के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम अब डेवलप हो सकता है जिससे उसके किसी भी हथियार उसने किसी भी देश से खरीदे हो उसकी कोई जानकारी दुश्मन देशों तक अब नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार जब धोखा मिल गया है तो डेफिनेटली अब वो कॉन्शियस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी भारत के लिए चिंता का विषय ये बना हुआ था कि केवल एक ही हथियारी सही यानी स्वाति रडार सिस्टम, लेकिन इसकी तो जानकारी लीक हो गई, वो तो दुश्मनों तक पहुंच गई, और ये स्वाति रडार सिस्टम भारतीय फोर्सेस भी इस्तेमाल करती है और बड़े पैमाने पर करती है, और काफी ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी है। तो इसको लेकर क्या, तो अब इसको लेकर भी BEL के CMD द्वारा एक बहुत ही अच्छी खबर दी गई है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से DRDO ने अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना रखा है जिसके तहत भारत के हथियारों की जानकारी इस तरह से लीक होना मजाक बात बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग, और स्वाति रडार सिस्टम के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्वाति रडार सिस्टम के बारे में आप जान लीजिए कि ये 1999 के कारगिल वॉर के बाद में हमें इसकी जरूरत महसूस हुई। उस समय दरअसल हम लोगों ने कई देशों से इस तरह के हथियारों की डिमांड की थी, लेकिन हमें कहीं से भी नहीं मिल पाए थे। ये दरअसल उन ठिकानों के बारे में आपको सटीक लोकेशन देता है जहाँ पर दुश्मन मौजूद है और दुश्मन के लॉन्च प्लेटफॉर्म्स हैं, और दुश्मन कहाँ से फायरिंग कर रहा है इसकी सटीक जानकारी ये आपको देते हैं। खासकर आर्टिलरीज ले लीजिए या फिर मोटार सिस्टम ले लीजिए, इसके अलावा रॉकेट सिस्टम हो गए, ये दुश्मन कहाँ से दाग रहे हैं, कितनी दूरी पर हैं, वो किस जगह पर हैं, ये बड़ी आसानी से ये आपको सटीक लोकेशन के साथ जानकारी मुहैया करा देते हैं। क्योंकि कारगिल वॉर में पाकिस्तान की सेना जो थी वो काफी ऊंचाई पर थी और हम काफी गहराई में थे, इस वजह से उनके बारे में पता लगा पाना, उनके ऊपर सटीक हमला कर पाना भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के रडार सिस्टम अगर हमारे पास होते तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमें दे सकते थे। हालांकि उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने इसका निर्माण किया। अब दोस्तों जो जासूसी वाला कांड आर्मेनिया में हुआ है इसके बारे में मीडिया ने पूछा BEL के जो CMD हैं भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी उनसे कि इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह से हमारे हथियारों की टेक्नोलॉजी आर्मेनिया से चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा चिंता वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी या जितनी इसके बारे में सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं उतने हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाल रखे हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर स्वाति रडार सिस्टम से संबंधित कोई अगर जानकारी लीक होती भी है तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है इसकी रेंज को लेकर, कि इसकी रेंज कितनी है, एग्जैक्ट रेंज जो जासूस था वो दुश्मनों तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर BEL के CMD द्वारा कहा गया है कि इसकी रेंज तो हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाल रखी है, तो बताए ना बताए बात एक ही है। इसके अलावा थोड़ा बहुत वर्किंग प्रिंसिपल बता सकता है, इसके अतिरिक्त किसी तरह की कोई जानकारी लीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो है इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बताया जा रहा है कि DRDO इन चीजों को काफी ज्यादा सीक्रेट रखता है, और कोई भी देश इन हथियारों को जब इंपोर्ट करता है भारत से खरीदता है तो भारत ऐसा कोई सिस्टम रखता ही नहीं जिससे कि इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी उस खरीदार देश तक पहुंचाई जाए। यानी आर्मेनिया को हमने किसी तरह की कोई क्रूशियल टेक्नोलॉजी स्वाति रडार सिस्टम से संबंधित दी ही नहीं है, तो फिर वो लीक हो ही नहीं सकती। वो टेक्नोलॉजी केवल और केवल DRDO के पास मौजूद है, और उसके बारे में जितने भी सीक्रेट्स हैं वो केवल और केवल DRDO के पास मौजूद है, और अन्य किसी भी इंपोर्टर देश को हम ये देते ही नहीं है, ये पॉलिसी में है ही नहीं। तो इस वजह से चाहकर भी वो जासूस स्वाति रडार सिस्टम की ज्यादा जानकारी दुश्मन देशों तक प्रोवाइड नहीं करवा पाया होगा। केवल एक रेंज का प्रॉब्लम है
तो जैसा कि सीएमडी साहब ने हमें आश्वस्त कर दिया कि इसकी रेंज तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, आप विकिपीडिया खोलकर देखिए, आपको 60 से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज दिखाई देगी। क्योंकि इसके अलग अलग वेरिएंट है मार्क 1 मार्क 2, तो उसमें रेंज थोड़ी बहुत वेरी करती है। इसके अतिरिक्त इसकी कोई जानकारी वो दे ही नहीं सकते, इतना ज्यादा सीक्रेट वेपन है ये। हालांकि फिर भी यहाँ पर भारत ने आगामी हथियारों की डील को लेकर कॉन्शियस हो जाना चाहिए और उस इकोसिस्टम को चेक जरूर करना चाहिए जिसके तहत भारत की संपूर्ण टेक्नोलॉजी बिल्कुल सुरक्षित बनी रहे। हालांकि जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा कि ये जो डेंट मिला है, इसके बाद आर्मेनिया भी अलग लेवल पर सुरक्षा की कवरिंग प्रोवाइड करवाएगा, डेफिनेटली ये हमसे ज्यादा उसके लिए घातक हो सकता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।